हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज हम टूर करेंगे जैसलमेर झील का। जैसलमेर झील जो उदयपुर से 52 किलोमीटर दूर है, हम उदयपुर से निकल चुके हैं और अच्छा रोड है, बढ़िया रोड है। तो मैं आपको, आप जहाँ से भी आते हैं, मैं वहाँ का पूरा आपको डिटेल बता दूँगा, कहाँ से आना है, कैसे आना है, क्या आना है और कितना किराया पड़ेगा। आप ट्रेन से, फ्लाइट से या खुद से गाड़ी से भी आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा रोड है। ये हम रास्ते में चल रहे हैं अभी। क्या बारिश से मौसम बहुत ही अच्छा है और चारों तरफ हरियाली भी है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जैसलमेर झील को। जैसलमेर झील महाराणा जय सिंह जी ने बनवाई थी, जो एशिया की फर्स्ट नंबर और वर्ल्ड की सेकंड नंबर की हैंडमेड झील है। इसको महाराणा जय सिंह जी ने बनवाया था। ये हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर झील पर। ये जो घाटी है, ये जैसलमेर झील चढ़ती है घाटी, घाटी के ऊपर पहुंच चुके हैं हम। और वो जो सामने आपको दिख रहा, वो हवा महल है। वो सामने हवा महल है, वो अभी तो ऊपर सिर्फ एक महल बना हुआ है, नॉर्मल सा, अच्छा है ऊपर देखने का। ये पार्किंग एरिया है, हम आप पहुँच चुके हैं पार्किंग एरिया में, अच्छा है। ये मेन गेट लगा हुआ है जैसलमेर झील का, हम पार्किंग कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट लव पालीवाल और आज हम आए हैं जैसलमेर झील, जो वर्ल्ड की सेकंड नंबर लार्जेस्ट कृत्रिम झील है और एशिया की फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट कृत्रिम झील है। और आज मैं एक्सप्लोर करूंगा जैसलमेर झील को। यहां पर अभी बारिश के कारण, बारिश होने से अच्छा पानी की आवक हुई है, तो मैं आपको आज एक्सप्लोर करूँगा पूरी जैसलमेर झील, जो कि उदयपुर जिले, उदयपुर शहर से 52 किलोमीटर दूर जैसलमेर गांव में स्थित है जैसलमेर झील। इसके बाद सेकंड नंबर जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसलमेर झील है, जो सेकंड नंबर कृत्रिम झील है। आज अपन जैसलमेर एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए चलते हैं जैसलमेर झील एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू। जैसलमेर झील, जैसलमेर झील को डेवर लेक भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम डेवर लेक भी है। और ये लगभग 14 किलोमीटर के रेडियस में फैली हुई है और इसमें तीन आइलैंड है। तीनों आइलैंड इसी नदी के बीचों बीच, उस किनारे पर जाए फैले हुए हैं, जिससे अपन नाव से उससे जा सकते हैं। अभी ट्राई कर लेते हैं नाव से। ये जैसलमेर झील है। जैसलमेर झील महाराणा जय सिंह जी ने 16वीं शताब्दी में 1687 से लेकर 1691 में बनवाई थी। इसमें ये गोमती नदी के, गोमती नदी के ऊपर के पानी से बनी हुई है। इसमें 9 नदियाँ और 99 नाले और 9 नदियाँ इसमें मिलती थी जिले, और इसको मुख्य रूप से डेबर कहा जाता था, पर महाराणा जय सिंह जी ने इसको जैसलमेर नाम दिया। और इसके ऊपर एक बूठी रानी का महल भी है, जस्ट सामने आप जो देख रहे हैं, बूठी रानी का महल है। जब रानियाँ रूठ जाती थी तो उसी महल में जाके वो विश्राम करती थी, तो राजा मना में जाते वो सामने पहाड़ी के ऊपर बूठी रानी का महल है। तो वो दूर है, इसलिए तो जाएंगे नहीं। यहाँ बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं, 3 रिसोर्ट बने हुए हैं बड़े बड़े, निजी कंपनियों ने बना रखे हैं। तो यहाँ नाव द्वारा वहाँ जाया जाता है। और ये सामने का व्यू देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ हैं जिसके बीच ये जैसलमेर झील बनी हुई है। तो एक बार आप आइए, इस मनोरम दृश्य को देखेंगे तो शायद मैं अपने लोग के मध्य से इतना सुंदर चित्रण नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप जब आप आएंगे तो इसका मनोरम दृश्य देखकर आनंद महसूस करेंगे।
इन्जॉय करेंगे। तो मुझे फैमिली के साथ खुद बनेंगे या दोस्तों के साथ बनेंगे, तो एक बार जैसे जरूर आइए। जयसुमन जी, आने के लिए आप दिल्ली से आ सकते हैं, जयपुर से आ सकते हैं, मुंबई से आ सकते हैं, सीधी फ्लाइट ट्रेन आपको जो भी मिल जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से सीधा रास्ता आप जयपुर या एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन उतरकर वहाँ से प्राइवेट साधन जो रेगुलर चलते हैं, रोडवेज बस गवर्नमेंट बसें भी चलती है, प्राइवेट बसें भी चलती है, प्राइवेट कार भी चलती है, और रोडें भी अच्छी हैं। आप कभी भी आ सकते हो, इसका सही मौसम आने का अभी ही है। आप अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी मार्च तक कभी भी आ सकते हैं। अभी बारिश होती है तो मौसम क्या है कि अच्छा होता है, और दूसरी बात धूल अभी छलक चुकी है, तो अब क्या साल दो साल तक पानी की इतनी किल्लत हो तो नहीं होगी। इस बार झील में अच्छी आवक हुई है, तो आप नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सभी की झील करा सकते हैं। तो मैं तो मेरा सजेशन एक बार जरूर रहेगा, तो इस मनोरम दृश्य का आनंद लीजिए। पर्यटन पर्यटन के क्षेत्र में एक अच्छी जगह है ये आपके लिए, एक बार जरूर आइए। यहाँ दोस्तों मछलियों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ मत्स्य केट भी होता है, उस किनारे पर नहीं पर दूसरे किनारे पर अवैध रूप से भी होता है, और इसके ठेके भी लिए जाते हैं। तो यह मत्स्य केट होता है तो जैसे पाबंदी लगी हुई है, सरकार कोशिश करती है कि मछलियों का पालन झील को प्राकृतिक रूप से रहने देवे। यहाँ लोग आते हैं, दाने डालते हैं बहुत सारे, अब देखो मैंने इतने से डाले और कितनी सारी मछलियाँ आ गई। नौकायन का भी यहाँ पे अच्छी सुविधा है, नौकायन में आप यहाँ से दूर तक जाएंगे तो 100 से 150 रुपये लेंगे, और आसपास ही घूम के आएंगे तो 50, 60 रुपये, 70 रुपये लगेंगे। ये दोस्तों नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, ये महाराणा जयसिंह जी ने बनवाया था ये मंदिर। तो इस मंदिर को एक बार गुंबद मुगलों ने तोड़ दिया था, तो गुंबद इसका नया बना हुआ है, बहुत ही शायद ये अच्छा बना हुआ है। ये मारवाड़ के पत्थरों से, मकराना के पत्थरों से बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है, अच्छा मंदिर है ये। जय भोलेनाथ, जय महादेव। तो यहाँ आए तो मंदिर में महादेव के दर्शन जरूर करें। ये देखिए सामने प्रकृति का नज़ारा, अनूठा नज़ारा, आनंद आ जाएगा इस नज़ारे को देखकर आपको। और आज तो अपन हवा महल नहीं जाएंगे, तो आप जब भी आएँ हवा महल ज़रूर जाएँ, तो इन कलाकृतियों को देखें। वैसे म्यूजियम नहीं है ऊपर, नॉर्मल महल बना हुआ है, तो देखते हैं। यहाँ बंदरों का भरमार है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी सामान लाए खाने पीने के तो उसको बचा कर जरूर रखें, क्योंकि यहाँ बंदरों की भरमार है। बंदर आपके हाथ से छीन के ले जाएंगे और शायद आपके हाथ को नोच भी लेंगे। यहाँ गार्डन भी बना हुआ है, जयसमंद झील पर एक अच्छा सा गार्डन बना हुआ है, जयसमंद गार्डन। गार्डन में बैठ कर आप खाने पीने की बड़ी मुश्किल से खाएंगे, क्योंकि यहाँ बंदर है, खाने नहीं देते हैं, पर हाँ आप दूर जाके कहीं खा सकते हैं। अच्छा सौंदर्यकरण कर रखा है झील पर, तो लगभग झील का एक्सप्लोरेशन हो चुका है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप ज़रूर आएँ इस झील पर। ये पार्किंग एरिया है, ये टिकट खिड़की है, यहाँ से आप झील के अंदर जाने की टिकट ले लगते हैं, 10 रुपये का टिकट है, आप टिकट लेकर घर जा सकते हैं।
पार्किंग के बाद पार्किंग के लिए उसका 20 रुपये 50 रुपये, बड़ी बसें हैं तो 50 रुपये, छोटी गाड़ी है तो 20 रुपये। तो बोर्ड लगा हुआ है पार्किंग के लिए। Just as the next one, it is a good one.